अली भाई साहब, आज बिना इधर उधर की कोई बात किए ना सीधे सीधे फटाफट को इनको जादू दिखा दो। चल शुरू हो जा। बोलो लॉली, लॉली बोलो ना प्लीज। लॉलीपॉप, हमारी इज्जत का सवाल है यार, प्लीज। बोल बेबी बोल। अरे इसकी कोई चाबी तो भरो। इसकी चाबी नहीं है तो सेल बैटरी तार कुछ तो होगा। ये खिलौना नहीं है तो खाली फोटो लगा रखी है। ये फोटो नहीं है। सच सच बताओ, ये मूर्ख बनाने वाला बक्सा आपने कहाँ से चुराया? ओ सर, ये विश्वास कीजिए, ये कोई मूर्ख बनाने का बॉक्स नहीं है। विश्वास करूंगा तो मूर्ख बन ही जाऊंगा ना प्यारे। जी साहब, ये फोटो थाने ले चलो, ये चोरों को डराने के काम आएगी। ए! ना छोड़े को मारा, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा प्यारे। ले चलो इन्हें। गोली तू चला। खुश है? चलो भाई। लॉली, ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ तो क्या करता मैं? सेब मारने की क्या जरूरत थी? अनजान लोग के सामने मैं नहीं आता। इस तरह तुमने बिगड़े हुए काम को और बिगाड़ दिया। अगर मामला मैंने बिगाड़ा है ना तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगा। तुम लोग जाओ, चोरी का माल देखो। क्या? और उस इंस्पेक्टर को कहना कि उस चोरी के माल को ओपन करके देखे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जाओ। ए चल भाई चल, बहुत होगा तुम लोगों का ड्रामा। चल एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, हमारी बात तो सुनिए आप। ना अब नहीं सुनूंगा मैं तुम लोगों की। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, इंस्पेक्टर साहब रुकिए। इंस्पेक्टर साहब जाने से पहले हमें एक बार वो पोटली खोल के दिखा दीजिए जिसमें चोरी का सामान है। ये क्या लगती है आपको? जेठानी है। ये नहीं कहती कि जाने से पहले आखिरी बार देवरानी का मुंह दिखा दो, कहती है माल दिखा दो। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमें सिर्फ एक बार पोटली का सामान दिखा दीजिए। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि लॉलीपॉप कहीं यहाँ तो नहीं छिप गया। अरे ये सोना कहाँ गया? साहब इसी में तो था। इसमें सोना था तो गया कहाँ? कहीं नहीं गया इंस्पेक्टर साहब, दरअसल सोना था ही नहीं, आपने इन दोनों को इसी सामान के साथ ही पकड़ा था और वो हमारा ही था। मुझे मूर्ख बनाते हो। छोड़ूंगा मैं फिर भी नहीं किसी को। लाओ इनकी रसीद दिखाओ। ये लीजिए सारी रसीदें, ये देखिए, ये है कांटे की रसीद, ये चम्मच की रसीद। देखिए 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 प्यारे, हमारे साथ धोखा हो गया प्यारे। आइए सर। कमाल है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? लगता है मेरे हाथों की शक्ति खत्म हो गई। क्या? हमें लॉलीपॉप ने बचा लिया। उसी ने कहा था कि अगर पोटली इंस्पेक्टर से खुलवाएंगे तो सारा सामान अपने असली रूप में आ जाएगा। ओए, इसका मतलब है हमारी सोनी भी ठीक हो जाएगी ना? ऊपर हमारी सोनी है का? सोनी! ओ ये क्यों नहीं ठीक हुई? हाय रब्बा, सोनी को भी उस पोटली के साथ बाहर आना चाहिए था। हमारी गलती के कारण सोनी पुतला रह गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोनी, सोनी, ये तुझे क्या हो गया? बाजी, बल्ली बाजी, क्या अब सोनी कभी ठीक नहीं होगी? होगी धर्म। आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं सोनी के लिए? अजीब परमीत भाई, परमीत पाजी, आप तो जादूगर हो ना, आप तो बड़ी बड़ी चीजें गायब कर देते हो,
आप अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करोगे? इंद्रमा जी, धर्म, आप तो अपने सुरों का जादू चला दो ना। अरे कोई कुछ करता है क्यों नहीं सॉरी के लिए? संभालो ना इसको। अरे मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए बाजी, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। संभलो, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। धर्म, ये तूने क्या किया? अरे उसने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। सब इसकी वजह से हुआ, सब इसकी वजह से। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, इसके दिखा लालच के रास्ते पे अब ऐसा टी पॉइंट आ गया जहां पे ना दाएं रास्ता ना बाएं। अब इसको मैं ऐसे रास्ते पे छोड़ के आऊंगा जहां से कभी वापस नहीं आ पाएगा। और छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे क्या कर रहे हो? कोई रोको इसे। ओ, अरे इतनी जोर से मत दिलाओ, आराम से लेके जाओ। बहुत कहानियां सुनाता था ना ये, बहुत कहानियां सुनाता था ना। ओए आज के बाद ये अशांत आत्मा की तरह भटकेगा और दुनिया वालों को सिर्फ एक ही कहानी सुनाएगा कि कैसे बठिंडा वालों ने मार मार के इसे भूत बना दिया। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी तेरी बात है, जी के सुनना तू हमारी। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब हम तेरी चीखें सुनेंगे। बाजी, नहीं नहीं, छोड़ पर मीत यार, हमारी सोनी को मार दिया इसने, क्या बिगाड़ा था हमने इसका? अरे ये असली सोनी नहीं थी, ये तो मिट्टी की गुड़िया थी। क्या? क्या? तो फिर हमारी सोनी कहाँ है? ये देखो, मुझे पता था कि वो लोग अपनी डॉल लेने यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए मैंने असली डॉल को इसमें छुपा दिया और नकली डॉल को बाहर रख दिया। अरे वाह, सच में आप सिर्फ मेरे पति नहीं हो, आप तो चोरों के राष्ट्रपति हो। जल्दी से दिखाओ ना डॉल। ये लो, अभी दिखाता हूँ सोने की डॉल। खुल जा सिम सिम। मैंने तो डॉल इसी में रखी थी। फिर कहाँ गई? हाँ? ये चोरी करना पाप है और मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप ये पाप करके नरक में जाएं, इसलिए मैं जिनकी ये डॉल है उन्हें वापस करने जा रहा हूँ ताकि आपकी तरफ से मैं कुछ पश्चाताप कर सकूँ
प्रहलाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। मैं नहीं मानता भाई, बेटा खाने का टाइम हो गया है, खाना खाए बिना थोड़ी जाने देंगे हम आपको। जी नहीं, जिस दिन मेरे भाग्य में लिखा होगा खाना खाने जरूर आऊंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र। लो सोनी, तुम कुछ खाओ। हेलो लॉली, अब तुम जल्दी से सोनी को ठीक कर दो प्लीज। वो तो मेरे बस में नहीं है। क्या? मेरा मतलब है कि उसके सर पे ऐसे 3 बार हाथ घुमाओ, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तो बता नहीं भूल गया कि उसके सर पे वही हाथ घुमा सकता है जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। अरे जाई ना ना। पाजी मैं हाथ घुमाऊं? मैंने कभी चोरी नहीं की। जा रहन दे तू, तू तो इस लायक भी नहीं है कि तू चोरी भी कर सके। जा पीछे हट। धर्म, वो मिट्टी की डॉल हमने ही तो चुराई थी, हम दोनों चोर हैं। उसे चोरी बोलते हैं? कुलजीत, हीरू, तुम सब ट्राई करो, धर्म और बहरी तो पहले ही आउट हो गए। जाओ जाओ। हीरू तू ट्राई करना। दीदी आप बड़े हो, आप जाइए ना। ले, एक ही बात है भाई, है तू टेंशन क्यों ले रही है, चल चल हाथ घुमा। वो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, मैंने कौन सी चोरी की है। चल ना जल्दी चल हीरो। शाबाश शाबाश। क्या हुआ? मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी चोरी की है। ओ हीरू, तू भी चोर निकली? ओ मेरे रब्बा, मैंने जिससे प्यार किया वो चोर है? नहीं नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए, प्यार तो मैं भी आपसे उतना ही करती हूँ, इसीलिए तो मैंने चोरी की। ये रहा। सॉरी इंदर, मुझे तुम्हारा ये सूट बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब जब तुम इस सूट को पहनते हो मोहल्ले की सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ ऐसे देखती हैं जैसे अभी मेरा घर लूट लेंगी। मुझे बहुत जलन होती है, क्या करूं, बीवी होना तुम्हारी। पर आज ये सूट बर्तन वाली को बेचकर मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि ना रहेगा सूट और ना मचेगी लूट। और वो कोट मैंने बर्तन वाली को बेचकर ये कटोरा ले लिया जिसमें धर्म खीर खाता है। हाँ? वो कटोरे में नहीं, इंदर की कोट में खीर खाता है। सॉरी इंदर। क्या सॉरी? कोट चोर, गली गली में शोर है, हीरो भाभी चोर है, गली गली में शोर है, हीरो भाभी चोर है, चोर है, चोर है। और चुप कर उसे वो। ओए, इस वक्त कौन आ गया? जा तरम, दरवाजा खोल। हम सोनी के दोस्त हैं जी। काफी पुराने दोस्त लगते हो। आपको कैसे पता बेटा? नहीं, आप देखने में इतने बुड्ढे लगते हो ना, सोनी के दोस्त जब बने होगे तो सोनी के जितने होगे ना। अब मैं नहीं मानता भाई। आप मान भी नहीं सकते, सोनी है ना, हमेशा बाकी बच्चों से कुछ अलग करना चाहती थी,
बाकी सारे बच्चे गुड्डा गुड्डी से खेलते थे और सोनी इस बुड्ढा बुड्ढी से। सोनी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है हा? वो डॉल डॉल लेने गई है, डॉल लेने गई है वो। ठीक है भाई, तो सोनी आए तब तक उसका इंतजार करते हैं, अब आ ही गए हैं तो। चोरे चोरे चोरे। ओए चुप कर, हमें पता चल गया है हीरू चोर है। लेकिन अब अगर तूने दोबारा चोर लफ्ज निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, जो मैं बताने वाला था अब नहीं बताऊंगा। और ना बताइयो, चकना मजा। आपके दिमाग में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं मतलब हम चोर नहीं, कोई चोर शब्द बोला भी नहीं, फिर भी आप चिल्लाने लगे कि खबरदार दोबारा कोई चोर मत बोलना, इसलिए हमें लगा कि। नहीं नहीं, वो तो हमारा मैजिक बॉक्स फ्रेंड बोला ना, इसलिए। अरे भाई किस दोस्त की बात कर रहे हैं आप, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वो बाहर वालों को ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है वो। कुलजीत भाभी इनसे बात करके समय बर्बाद मत करो, जल्दी से इसके सर पे हाथ घुमाओ, समय निकला जा रहा है, जाओ जाओ जल्दी। हाँ भाई घुमाओ, जल्दी घुमाओ। हाँ वो मैं। और चल। वो मैं क्या? ये तोता मैना जो भी है जल्दी बताओ, वरना सुबह हो गई ना तो सोने की गुड़िया कभी सोनी नहीं बन पाएगी। आपका बाथरूम कहाँ है जी? उस तरफ है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, आओ जी। वो क्या है, ये अक्सर बाथरूम में गिर जाते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, तो आप इन्हें संभालने के लिए जा रही हैं? नहीं, ये किसी कीमती चीज पर ना गिरे इसलिए। आजा आजा, कोई नहीं है, आजा। सुनो, क्या कोई आ तो नहीं जाएगा? कोई नहीं आएगा यहाँ पर, और देखना सिर्फ 10 मिनट शकुंतला, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में हम सोने की गुड़िया लेकर यहाँ से पुर। ये बम में से ऐसा धुआं निकलेगा कि सब लोग बेहोश हो जाएंगे। वो इतना सोच क्या रही है, जल्दी से उसके सर पे हाथ घुमा। हाँ भरजाई, आपका हाथ लगती अपना काम हो जाएगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। क्या? वो मैंने भी चोरी की है। कुलजीत, पता है रद्दी वाले को डबल पैसे देके मुझे किताबें वापस लेनी पड़ी। कैसे लोग हो तुम सब, सोनी ने गुड़िया बनकर तुम सब के मुखौटे ही उतरवा दिए। जियो सोनी जियो। जा रहने दे तू। जियो सोनी जियो, और पहले उसको जीने लायक बना तो दे। वन बाय वन सब हार रहे हो, किसी में दम नहीं है, हार जाओगे मैच। ऐसा मत बोलो। सच तो ये है कि टाइम निकला जा रहा है और सोनी हमेशा के लिए सोने की ही रह जाए, 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 सोने की ही रह जाए।